हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास है, आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी आर स्टार्टिंग फ्रेश वंस अगेन ऑन योर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो एक जुडिशियल एस्पिरेंट तो छोड़ दीजिएगा, एक लॉयर को छोड़ दीजिएगा, एक रस्ते में चलते कॉमन मैन के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ FIR। FIR के बारे में भैया FIR कटवा दें, जा मैं FIR कटवा दूंगा, जा मैं ये कर दूंगा, लेकिन FIR होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ द FIR एंड व्हाट। तो उसी के क्रक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। FIR का कंप्लीट टॉपिक जो है इस सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो बने रहिएगा, रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात की जाए FIR की, तो FIR भैया सबसे पहले याद रखिएगा CRPC में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। अब कुछ महानुभाव ये कहेंगे मैडम 154 FIR को डिफाइन करता है, तो भैया वो प्रोसेस बताता है कि इन्फॉर्मेशन इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, के जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप कैसे दर्ज करेंगे, इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ FIR। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, जो 154 से लेकर, जो कि आपका 154 से लेकर 176 तक दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात की जाए तो चैप्टर 12 का ऑब्जेक्ट क्या है, चैप्टर 12 का ऑब्जेक्ट बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना है कि भैया कौन सा अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल हुआ है। अब दूसरी बात मैं करूँ तो FIR जो कि सेक्शन 154 है, उसमें एक बात बताऊँ नहीं दे रखा है, सीधी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँ, FIR इज एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। भैया FIR के लिए क्या है, 154 आपको प्रोसेस बताता है, पुलिस इज एम्पावर्ड टू लॉज FIR एंड इन्वेस्टिगेट। इसमें क्या होता है 154 में कि पुलिस के पास पावर है कि वो FIR दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी कि भैया केस में जो है वो कॉग्निजेबल केस है, और उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या उस अरेस्ट करने के लिए उनको किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर नंबर 12 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, भैया अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट करना है तो पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। अब दोबारा से FIR पे आइएगा, FIR की मैं बात करूं तो FIR ओरल में भी दिया जाता है, रिटर्न में भी दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। FIR जो है वो पुलिस अधिकारी को दर्ज कराया जाता है, हु विल बी द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब FIR का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ, या उद्देश्य, हर चीज़ का उद्देश्य, आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रही हूँ, हमारा सबका एक उद्देश्य होता है, तो इसका क्या उद्देश्य है। भैया जो क्रिमिनल लॉ है ना, जो IPC है, वो उसने तो आपको रेमेडी बता दी, उसने तो इलाज बता दिया कि भाई ये इलाज है, लेकिन उस इलाज तक उस पहुंचने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जो है उसको सेट करना, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, ये FIR का ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो FIR रिटर्न डाउन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेंट यानी कि सूचनाकर्ता जो और शिकायतकर्ता दोनों ही FIR दर्ज करा सकते हैं, एक्यूज्ड भी FIR दर्ज करा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ये इम्पॉर्टेंट दिमाग में बिठा के चलिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई ऑफेंस पीड़ित है, और दैट इज़ सेक्सुअल ऑफेंस की अगर कोई विक्टिम है, इफ़ शी इज़ मेंटली फिजिकली या टेम्परेरीली जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो गई हैं, स्पेशली डिसेबल्ड हो गई हैं, देन ऐसी सिचुएशन में पुलिस अधिकारी जो है भैया उनके बताए हुए पते पर जो है स्टेटमेंट को दर्ज करने के लिए जाएगा, वो उनको फोर्स नहीं करेगा कि आप पुलिस स्टेशन में आइएगा। कई बार क्या होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा, दैट इज़ एनुमरेटेड अंडर 154 का क्लॉज नंबर, हाँ जी क्लॉज नंबर बताइएगा, 3 या 2 में अगर पुलिस अधिकारी, हम जाते हैं FIR दर्ज करने, मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, पहली बात तो एक केस आता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जिससे कि जीरो FIR का कंसेप्ट हुआ था, जो स्टेशन का या मेरे पुलिस स्टेशन के दायरे में नहीं आता है, उस चीज़ का पुलिस वाले भाई साहब या बहन जी जो है बचाव नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इस केस से कहा गया था। उसके अलावा अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी FIR रिफ्यूज़ करने के
दी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। आपको सीधा क्या करना है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। कहाँ पर करनी है भैया फाइल, वेयर यू हैव टू फाइल योर कंप्लेंट। कंप्लेंट आप रिटर्न में, एक कॉग्निजेबल केस अगर हुआ है तो आप एसपी साहब को दे देंगे, और एसपी साहब भी अगर एंटरटेन नहीं करते हैं तो भैया मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, उनको आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं बाय द रिटर्न। एफआईआर जो है उसकी कॉपी हमेशा सूचनाकर्ता को फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एफआईआर इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सिर्फ एफआईआर के बेसिस पर किसी को पकड़ा नहीं जा सकता है भैया, चाहे वो वुमन रिलेटेड ऑफेंसेस है या प्रायर इंक्वायरी जो है, प्रायर जो है आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, प्रायर जो है इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा मैटर को, देन ओनली अरेस्ट कैन बी पॉसिबल। एफआईआर जो है वो कॉर्बेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर मस्ट बी लॉज्ड बाय द एक्यूज्ड हिमसेल्फ, मे बी लॉज्ड बाय द एक्यूज्ड हिमसेल्फ। तो एक्यूज के द्वारा भी एफआईआर, मैंने कहा क्या कहा था, सूचनाकर्ता, शिकायतकर्ता या आरोपी, तीनों ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो जो एफआईआर आरोपी कराता है वो कन्फेशनल नेचर की भी हो सकती है, नॉन कन्फेशनल नेचर की भी हो सकती है। उसके अलावा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 0 एफआईआर का कंसेप्ट इस केस से आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा हर हालत में। सो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारे हरियाणा जुडिशरी के बैच के साथ जुड़ना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरियाणा और राजस्थान जुडिशरी का ये क्लब बैच आपका शुरू हो रहा है 25 से 27 दिसंबर को, इसके 25, 26 और 27 तीन दिन इसके डेमो कराए जा रहे हैं। टोटल फीस है 21,000। लॉ प्लस जीके प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, सारा का सारा इसके अंदर कराया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, वीकली टेस्ट आपको सारे के सारे कराए जाएंगे। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डेमो बुक करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाने का मकसद होता है इंडिविजुअल फोकस, और इंडिविजुअल फोकस के लिए हम जो है लॉट नहीं लाते, हम सिर्फ लिमिटेड सिनेरियो में ही विश्वास रखते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखें।